मंदसौर जिले के नवागत जिला पुलिस अधीक्षक श्री हितेश चौधरी की पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। विगत दिनों दलौदा में एक सोने चांदी व्यापारी के यहां पर 6 अज्ञात बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया था। उसी मामले में आज कंट्रोल रूम पर एक प्रेस वार्ता आयोजित किया गया। जिला पुलिस अधीक्षक श्री हितेश जी चौधरी ने चोरी का पर्दाफाश किया, जिसमें 5 चोटे पुलिस के हाथ लगे हैं और 3 किलो चांदी बरामद की गई है। यहां चोर पुणे चले गए थे और लूट की वारदात के बाद उसके बाद आज मंदसौर सर्राफा में चोरी की चांदी बेचने के लिए आए थे, लेकिन पुलिस को मुखबिर की सूचना मिली कि तलोदा में हुई चोरी की चांदी चोर मंदसौर सर्राफा बाजार में बेचने के लिए आए हैं, तो पुलिस ने चारों तरफ घेराबंदी कर एक पल्सर गाड़ी पर 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 3 किलो चांदी बरामद की गई है और सभी चोटे चपाटो बांछड़ा जाति के बताए जा रहे हैं। 7 जून को एक बड़ी गंभीर घटना मंदसौर जिले में घटित हुई थी, जिसमें दलौदा चौकी भावगढ़ थाना अंतर्गत गुड़िया ज्वेलर्स के जो वहां के मालिक थे वो और उनके एक और साथी दोनों दुकान बंद करने के बाद रात्रि लगभग 8 बजे अपने बैग में सारा सोना चांदी लेकर के घर जा रहे थे। इसी दौरान 3 बाइक पर 6 आरोपी आए और उनके द्वारा वो बैग छीना गया, साथ ही एक फायर किया गया जो उनके पैर में लगा। इसी के पश्चात डकैती की धारा FIR तत्काल कायम की गई थी और उसके उपरांत सभी वरिष्ठ अधिकारी इस मामले के निकाल के लिए और आरोपी को पकड़ने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे थे। प्राथमिक जानकारी पुलिस को जनता की मदद से बहुत अच्छी मिली कि 3 बाइक थी, 6 लड़के थे और किस तरह का हुलिया था, उसी को देखते हुए जिस दिशा में वो भागे उसका प्रयास किया गया। अलग अलग टीमें बनाई गई जो अन्य राज्यों तक महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश में भेजी गई। अन्य राज्यों के जो अधिकारी पुलिस अधिकारी गण हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, उन्होंने बहुत मदद की इस मामले को निकाल करने में। तत्काली सारी टीमें रवाना की गई थी और उसके उपरांत जो आरोपी थे उनके बारे में प्राथमिक सूचनाएँ प्राप्त हुई। उसी के दरमियान अभी आज आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आए हैं, वो उसी ज्वेलरी को मंदसौर में बेचने के प्लान से आए थे, तो जो प्रारंभिक जानकारियां मिली थी पुलिस को उस आधार पर चिन्हित किया गया कि यही वो लोग हैं जिनके द्वारा ये घटना कारित की गई हो। जैसे इनको दबिश दी गई सराफा बाजार मंदसौर में, वहाँ एक पल्सर बाइक पर 2 आरोपी मिले, उनके द्वारा बताया गया कि अन्य आरोपी भी मंदसौर में जो हैं उन्हें दबिश देकर पकड़ा गया, तो अभी तक 5 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। उनमें से 3 आरोपी जो मुख्य श्रीकांत, अजय और अनिल बाछड़ा, ये तीनों पकड़ा चुके हैं। इनकी उम्र लगभग 30, 27 और 19 वर्ष है। अनिल बाछड़ा जो है वो यहाँ दलौदा का ही रहने वाला है, मंदसौर का। इसके जो साथी थे वो महाराष्ट्र पुणे के रहने वाले थे, तो अनिल के माध्यम से उन आरोपियों ने जो पुणे महाराष्ट्र के रहने वाले हैं यहाँ पर आए और ट्रेस किया कि किसको इस तरह से डकैती करके लूटने का प्रयास कार्रवाई की गई। अभी भी कुछ आरोपी फरार हैं, वो पुलिस जल्दी से उनको पकड़ेगी। पुलिस के द्वारा अभी तक 3 किलो 900 ग्राम चांदी और एक पल्सर बाइक जब्त कर ली गई है। आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, अन्य आरोपियों की तलाश अभी जारी। सर, लूट गई रकम कितनी थी और अभी कितनी जमा? पूरी जो रकम बताई गई थी FIR में फरियादी द्वारा वो लगभग 5 से 6 लाख थी, क्योंकि स्पष्ट उसके पास भी अभी जानकारी नहीं थी कि कितना माल गया, पर 5 से 6 लाख की डकैती की गई। उसमें से अभी 3 किलो 900 ग्राम चांदी बरामद हो चुकी पुलिस को, बाइक भी हो चुकी, अन्य सामग्री हो सकता है जो फरार आरोपी हैं जिनका अभी क्लियर हुआ है उनके लिए दबिश दी जा रही है उनके पास। क्या लगता है सर, लगातार चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही है, जो सोना चांदी जो चुरा के ले जाते हैं मंदसौर में सराफा व्यापारियों को बेचा जाता है, तो क्या लगता है सराफा व्यापारी मिला हुआ इन चोरों से? देखिए, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि अपराध बढ़ रहे हैं या बहुत बढ़ गए हैं। अगर अवलोकन किया जाएगा पिछले कई महीनों का, तब आपको समझ में आएगा कि किस तरह के अपराध में बढ़ोतरी या कमी हुई है, और जो भी इसमें संलिप्त है उन सभी को इसमें आरोपी बनाया जाए, कार्रवाई की जाए। आरोपी तो यहाँ से सीधे महाराष्ट्र बाइक से भाग गए थे, तो बड़ा सवाल है कि इनकी कहीं चेकिंग नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है, चेकिंग की भी गई थी और उसी से ही हमें कुछ सूत्र भी मिले थे कि चेकिंग के जो पॉइंट्स लगे थे। मैंने कहा आपको कि अन्य जिलों के अधिकारियों ने, पुलिस अधीक्षक ने, सभी ने बहुत मदद की है इस मामले में, जो एक एक कड़ी जुड़ते हुए इस तक हम पहुंच पाए और इतनी जल्दी इतनी बड़ी सफलता। महिलाओं के भी शामिल होने की बात सामने आ रही है, देखिए अभी तक वो स्पष्ट नहीं है, अगर वो रहेगा तो सभी प्रकार। सर, क्या बाइक चोरी की थी और जो वेपन्स थे क्या वो बरामद हुआ किसको? नहीं, अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि बाइक चोरी की थी या नहीं थी। आज ही आरोपी पकड़ा है, हम उनके पुलिस रिमांड ली जा करके आगे कार्रवाई की जाएगी, तो पता है वो बरामद नहीं हुआ है वेपन, तो हो सकता है जो अन्य आरोपी इनके भागे हुए उनके पास वेपन हो, उनको पकड़ करके आगे कार्रवाई।